हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू माय YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम जो है इस वीडियो में ये जानेंगे कि जब अनेक शब्द दिए होते हैं तो उनका एक शब्द क्या होता है, जिनको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कुछ जो है हम उदाहरण लेके आए हैं कि उनको जो है कुछ टिपिकल से वर्ड है जिस जो अक्सर हमारे जो है उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो अक्सर हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये शामिल किए जाते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दिया है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं उसको? हम अकिंचन बोलते हैं, यानी कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर हम जो है मेरे लिए वर्ड यूज होगा अकिंचन। फिर दूसरा है आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत करना मतलब होता है अगवानी। आपने देखा होगा जब बारात वरात आती है तो वहां पे जो फुफा टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आगे बढ़कर स्वागत करते हैं, तो उसको बोलते हैं अगवानी। उसको बोलते हैं अगवानी करना। तो यहाँ पे आगे बढ़कर स्वागत करना उसका मतलब होता है अगवानी। फिर दूसरा है पहले जन्म लेने वाला। पहले जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं अग्रज। अगर मेरा बड़ा भाई है तो अगर कोई मुझसे बड़ा है, वो बड़ा भाई या बहन कोई भी है, तो यानी कि उसका जन्म हमसे पहले हुआ होगा, तो जिसका जन्म हमसे पहले हुआ हो उसके लिए हम यूज करते हैं अग्रज। ठीक है। फिर आगे जो वस्तुएं न चलती हैं। अपने साइंस में पढ़ा है चर और अचर प्राणी। तो चर में हम लोग आते हैं जीव जंतु और मनुष्य जो है ये सब जीव जंतु में आते हैं। तो ये जो है चर होते हैं, लेकिन जो चीजें चल नहीं सकती यानी कि जो विचरणशील नहीं होती हैं उनको हम अचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो ये एक जगह पे क्या होती है? स्टेबल होती है यानी स्थिर होती है। जैसे पेड़ पौधे हो गया या फिर टीवी फ्रिज कूलर पंखा ये सब क्या है? सब अचर है। उसके बाद फिर जो चिंता के योग्य ना हो। जो चिंता के योग्य ना हो तो यहाँ पे यूज करेंगे हम अचिंतनीय या फिर अचिंत। जैसे हम मान लेते हैं कि बारिश हो रही है लेकिन हमारा घर जो है एकदम अच्छे से बना हुआ कि हमको पता है कि बारिश कितनी भी होगी तो हमारा घर नहीं गिरेगा, तो हम कहेंगे कि जो बारिश है वो अचिंतनीय है। कैसी है? अचिंतनीय है या फिर अचिंत है। फिर बात करते हैं जो कुछ ना जानता हो। मतलब गांव में तो बोलते हैं गंवार। जो कुछ ना जानता हो उसे बोलते हैं गंवार, लेकिन अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बोलेंगे तो टेक्निकल टर्म में, तो जो कुछ ना जानता हो उसको हम बोलते हैं अज्ञानी। क्या बोलते हैं? अज्ञानी। और फिर यहाँ पे एक होता अनभिज्ञ। एक होता है अज्ञानी और एक होता है अनभिज्ञ। तो यहाँ पे अज्ञानी का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो, मतलब कि ए टू जेड उसे कुछ ना पता हो, उसको हम अज्ञानी बोलते हैं। लेकिन अनभिज्ञ हम उसके लिए यूज करते हैं। जैसे हम किसी का, मान लीजिए मर्डर हो गया, ठीक है, गांव में किसी का मर्डर हो गया और हमसे आके कोई पूछता है कि भैया क्या हुआ, तो चूंकि हमको उसके बारे में पता नहीं है तो मैं उस पर्टिकुलर उस चीज के लिए क्या हूं? मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। फिर आगे बात करते हैं जो ना जाना जा सके। जो ना जाना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय। जो ना जाना जा सके उसे बोलते हैं अज्ञेय। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि यहां से 50 फुट की ऊंचाई पे क्या है ऊपर, तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वहां पे क्या है। तो जिसको हम नहीं जान सकते, जो ना जाना जा सके, उसे हम अज्ञेय कहते हैं। फिर आगे है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अगर हम कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, इसका मतलब कि आपके जैसा कोई नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अद्वितीय। यानी कि आप क्या है? आप अद्वितीय हैं। क्या है? अद्वितीय। आप यूनिक हैं। क्या है? यूनिक हैं। फिर बिना पढ़ा हुआ अंश। बिना पढ़ा हुआ अंश उसको बोलते हैं अपठितांश। क्या बोलते हैं? अपठितांश। अगर मान लीजिए मेरी बुक में 10 पेज है, ठीक है, मेरी बुक में 10 पेज है और वो जो है उसमें से हमने क्या किया, 8 पेज पढ़ लिया, 2 अभी हम बाकी रखे हैं, तो जो ना पढ़ा गया हो उसे हम बोलते हैं अपठितांश। यानी कि जो 2 पेज है वो मतलब कि बिना पढ़ा हुआ अंश है, अपठितांश। फिर आगे है जिसके आने की कोई तिथि ना हो। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे घर कोई बिना बुलाए और बिना जो है बताए पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं अतिथि। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है मेहमान और अतिथि में अंतर बताइएगा कि मेहमान किसे कहते हैं और अतिथि किसे कहते हैं। ठीक है। फिर आगे हम नजर डालते हैं जिसकी गहराई ना नापी जा सके। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अक्सर आपने सुना होगा कि जो सागर है उसकी गहराई अथाह है। क्या है? अथाह है, क्योंकि हम उसकी गहराई को नहीं नाप सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं अथाह। ठीक है। हालांकि उसकी गहराई को जो एवरेज उसकी जो गहराई होती है, औसत गहराई वो नापी गई है, लेकिन यहाँ पे हम जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसको हम अथाह बोलते हैं। ठीक। फिर जो जीता ना जा सके। जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय।
क्या बोलते हैं अजय, यानी कि जो किसी भी युद्ध में ना हारा हो। अब वो युद्ध में ना हारा हो इसका मतलब कि उसको किसी ने ना जीता हो, यानी कि जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। फिर जो दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके यानी कि उसको बोलते हैं अधे। अगर मेरी ये वॉच है, क्या है, मेरी ये वॉच है और हमसे कोई कहता है कि इसको मुझे दे दो, तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं इसको नहीं दे सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं दे सकता, वो मेरा कुछ भी रीजन हो सकता है कि अगर हमसे कोई मांगता है कि ये वॉच मुझे दे दो, तो मैं कहता हूं कि नहीं, मैं ये नहीं दूंगा, यानी कि वो मेरे लिए क्या है, अधेय है, मैं उसको नहीं दे सकता। फिर आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, सोचो मैं बहुत पैसे वाला हूं, ठीक है, मैं बहुत पैसे वाला हूं और मेरी जो है इनकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो मेरी इनकम है, जब इनकम मेरी ज्यादा है तो साथ साथ में अगर मैं कंजूस नहीं हूं तो खर्चे भी बहुत ज्यादा करूंगा। ठीक है, इनकम अगर मेरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो मैं खर्चे भी बहुत करूंगा। तो उन सब खर्चों का और जो आय है उनका विवरण रखने के लिए कोई ना कोई होगा ना, तो यहां पे क्या, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या होता है, अंकेक्षक। क्या होता है, अंकेक्षक। ठीक है, फिर क्या है, पहाड़ का ऊपरी भाग, जो पहाड़ होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं अधित्यका। क्या बोलते हैं, अधित्यका बोलते हैं। फिर क्या है, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। सोचो आप मार्केट गए, ठीक है, आपकी किसी से कोई पंगा हुआ आपका और उसने जो है आपको खूब अच्छे से कूटा, क्या क्या आपकी अच्छे से कुटाई की, लेकिन यहाँ पे आपके घर में आके क्या कर रहे हैं, अरे बोल रहे हैं कि हमने उसको ऐसे मारा, ऐसे मारा। ठीक है, तो पीट के तो आए हैं, दिख नहीं रहा कहाँ कहाँ पीटे हैं, लेकिन आप घर में छोड़ रहे हैं खूब लंबी लंबी, कि अरे हमने उसको नाक पे मारा, गले पे मारा, गर्दन पे मारा, पेट पे मारा। तो ये सब क्या है, ये सब अतिशयोक्ति है, किसी चीज को क्या बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। ठीक, फिर आगे क्या है, जिसका शत्रु ना जन्मा हो, जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अपने इतिहास में अजात शत्रु का नाम सुना होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अजात शत्रु कौन थे और उनके समय में बौद्ध धर्म की कौन सी संगीत हुई थी या फिर कौन सी धर्म सभा हुई थी, कौन से नंबर की धर्म सभा हुई थी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर क्या है, जो अभी तक ना आया हो, जो अभी तक ना आया हो यानी कि कोई ऐसी चीज है जो अभी तक हमारे पास ना आई हो या हमारे घर में ना आई हो, तो उसको हम बोलते हैं अनागत। क्या बोलते हैं, अनागत बोलते हैं। फिर क्या है, जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो उसको बोलते हैं अनुचर। क्या बोलते हैं, अनुचर। आपने देखा होगा जो राजा महाराजा होते थे पहले, जो राजा महाराजा होते थे तो उनके साथ में जो है कुछ लोग चलते रहते थे, तो जो भाला बरछी वगैरह लिए रहते थे उनको बोलते थे क्या, अंगरक्षक। जो उनके अंगों की यानी उनके शरीर की रक्षा करने के लिए होते थे उनको बोलते थे अंगरक्षक। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो उनके पीछे चलते थे, नहीं, उनका अनुसरण करते थे, उनको बोलते हैं अनुचर। क्या बोलते हैं, अनुचर। फिर क्या है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहुत। क्या बोलते हैं, अनाहुत। सोचो मेरे घर पे भंडारा चल रहा हो, ठीक है, मेरे घर पे भंडारा चल रहा हो और हमने आपको इनवाइट ना किया हो, ठीक है, हमने आपको इनवाइट ना किया हो, लेकिन आपको पता चले अरे उनके घर पे भंडारा, हमको बुलाया नहीं, कैसे नहीं बुलाए, क्या करते हैं, नहीं बुलाए लेकिन फिर भी पहुंचते हैं, तो वहां पे अगर आप पहुंचे हैं तो आपके लिए वहां पे जो एक संज्ञा दी जाएगी उसको बोलते हैं अनाहुत। तो आज का ये जो हमारा 20 उदाहरण रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा, और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे और अच्छी अच्छी चीजें जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, और आप लोग हमको जो है सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का वीडियो में समाप्त करते हैं, धन्यवाद।